A very warm welcome to all of you to Self Selection Code. मेरा नाम है शुभम वाशन एंड माई एम टू टेक यू वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म. देखिए, ये जो सपना है आपका यूनिफॉर्म का बिल्कुल सच हो सकता है. ये वीडियो उस इंसान के लिए जिसका पढ़ाई में मन लगता ना हो और जिसको नींद आती हो, उसी आदमी का यह सपना पूरा हो पाएगा. अब देखिए कैसे हो पाएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, गाइडेंस बुक, वीडियो रिविजन, मॉक एनालिसिस. बट याद रखिए कि ये जो सपना है ये तभी पूरा हो पाएगा जब आपके में जिद हो. देखिए, मैं खुद ऐसा बच्चा हूँ जिसके 12th में 60% आए हैं, ग्रेजुएशन में 57.14 आए. अगर मुझ जैसा आदमी एग्जाम निकाल सकता है ना, तो यकीन मानिए आप भी निकाल सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है, मुझमें सारी मतलब काबिलियत थी कि भैया मुझे नींद आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सारी चीजें होती थी मेरे साथ. बढ़िया, मेरे अंदर जिद थी, जिद होगी तो निकल जाएगा, जिद नहीं है तो नहीं निकलेगा. और याद रखिए, ये पूरा प्रोसेस ना इवॉल्वेशन का है कि अगर आप इवॉल्व होते जा रहे हो ना, तो ये आपकी यूनिफॉर्म तय है यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर बहुत दिक्कत है. देखिए, ऐसा हो सकता है भाई, पहला दिन है, नहीं लग रहा पढ़ाई में मन, हो सकता है ना, बट वो पढ़ाई में मन लगना सीखना पड़ेगा. उसके बाद आपको रिविजन करना सीखना पड़ेगा. उसके बाद आपको जब डर लगता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके ये फाइनल आपको पोजिशन मिलेगी. बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर कहानी क्या है, पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं. एग्जाम पैटर्न क्या कहता है? एग्जाम पैटर्न क्या कहता है कि भाई बॉयज के लिए तीन चीजें, इंग्लिश, जीएस, एलिमेंट्री और मैथमेटिक्स, और यहाँ पर दो दो घंटे का पेपर है और यहाँ पर टोटल 100 नंबर है. बात समझ में आ रही है? वहीं गर्ल्स के लिए सिर्फ ओटी है, सिर्फ ओटी है, मैथ्स नहीं आता है, इंग्लिश और जीएस से काम चलाना पड़ता है. अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पर टाइमिंग आपको सेम दिख रही होगी और मार्क्स भी यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, बट यहाँ पर ना मार्क्स की वेट है. मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपकी यहाँ से नजर हटी दुर्घटना घटी, मेरी बात ध्यान सुनिए. एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है 0.83 का, मैथ्स में एक क्वेश्चन होता है, क्या कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान सुनिए, एक नंबर का, और यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है 0.83 का. क्लियर है? अगर आपने ऐसे स्कोर किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप एग्जाम में इस वेटेज के साथ बहुत बढ़िया स्कोर लाएंगे. देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर बॉयज को एडवांटेज है और यहाँ पर गर्ल्स को मेहनत करने के लिए सिर्फ इंग्लिश है. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप आराम से 80 नंबर ला सकते हो, पर बॉयज को सबसे ज्यादा मेहनत मैथ्स में करनी है, क्योंकि जब एक नंबर मिल रहा है ना, मतलब 0.17 मुफ्त में लेके जा रहे हो घर अपने, समझ रहे हो हर बार. तो मैथ्स ही है जो आपका सपना पूरा कर सकता है, फॉर बॉयज एंड फॉर द गर्ल्स इंग्लिश इज द ओनली वे. चलिए आगे बढ़ते हैं जरा. अजरा पहली बात तो समझ लीजिए कि ये आपकी कट ऑफ है जो नॉर्मली रहती है, बट मैं कहूंगा आप इस कट ऑफ को भूल जाइए, क्योंकि इस कट ऑफ को अगर आप याद रखेंगे तो आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा. देखिए, आपको कट ऑफ याद रखनी चाहिए आईएमए के लिए 145, इसके लिए 140, यहां पर 160 और यहां पर कम से कम 107 और वुमेन्स के लिए 120. अगर ये आपको कट ऑफ याद है तो मेरा आपको वादा है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा फॉर श्योर. देखिए, मैक्सिमम बच्चों के सपने इसलिए टूटते हैं कि वो इस कट ऑफ निकलते, भगवान बस एक बार कट ऑफ निकलवा दे, भगवान बस एक बार कट ऑफ निकलवा दे. अरे कट ऑफ के पीछे मत भागो, भागना है तो जो 10 नंबर ऊपर करके कट ऑफ रखी ना, उसके पीछे भागो. देखो बच्चे, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा कह रहा हूं. मैं कट ऑफ ऊपर नीचे होती है हर साल, हर साल ऊपर नीचे होती है. ज्यादातर जो कट ऑफ आती है ना ओटीए की, वो 100, 200, 300 आती है. अब आप कहोगे सर फिर ये वाली कट ऑफ क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि बच्चे ये कट ऑफ भी तय नहीं है, समझ लो. अभी सीडीएस सेकेंड 2022 का पेपर हुआ है, सीडीएस सेकेंड 2022 का पेपर हुआ. कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ ना 100 से नीचे गई है फॉर ओटीए, ओटीए के लिए. यार गई होगी, पर जो मेरे स्टूडेंट थे ना, उन सब के नंबर ऐसे आए थे, 107, 108, 120, 122 ऐसे नंबर आए थे, क्योंकि उनके दिमाग में तय था भैया कट ऑफ क्या है मेरी. यहां पर हमारे लिए गर्ल्स के केस में 120 यहां पर नंबर रखने के लिए रीजन ये है क्योंकि गर्ल्स की सीटें ही सिर्फ 14 हैं, ओनली 14 सीट्स आर देयर फॉर गर्ल्स. तो अगर उन्हें 120 मार्क्स से नीचे लेकर आए रिटन में, तो उनका ये सपना टूट जाएगा. सिर्फ 14 सीटें हैं और रिटन की वेटेज ऑलमोस्ट 60% है और एसएसबी की वेटेज 40%. तो यहां पर आप समझिए, अगर रिटन में आपने अच्छा स्कोर किया तभी ये बात तय है कि एक लड़की अकेडमी ज्वाइन कर रही है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा. अभी आपको एक बात समझनी है कि हर साल ना एग्जाम पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है. ऐसा नहीं है कि हर बार सेम कॉपी पेस्ट आता है. 2017 में जो आया वो 19 से आते आते चेंज हो गया, जो 19 में आया वो 21 में आते आते चेंज हो गया, और जो 21 में आ रहा था वो 2022 के सेकेंड पेपर में आते आते चेंज हो गया. इस बात को आप समझें, क्लियर है? तो प्लीज मेक श्योर ऑफ वन थिंग, दैट बी रेडी कि थोड़ा थोड़ा एग्जाम का पैटर्न तो बदलेगा ही. अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए,
सीडीएस 1022 में इंग्लिश का जो पेपर था, पेपर पैटर्न था, वो ऐसा था कि हर सेक्शन से 10 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेक्शन से 10 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। पर जब सीडीएस सेकंड 2022 आया तो पेपर पैटर्न ऐसा हो गया, एंटोनियम्स और इडियम फ्रेजेस तो पूछे ही नहीं गए, सिनोनिम्स से 5 आए, क्लियर है, और क्वेश्चन 3 नए टाइप के आ गए, यूजेज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर वर्ड मीनिंग, और लास्ट है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। ये यहाँ पर तीन अलग चीजें आ गई जिसकी वजह से पेपर का पैटर्न ही बदल गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये पेपर का पैटर्न नहीं बदला है, ये झूठ बोल रहा है। अगर आपसे कोई कह रहा है ना पेपर का पैटर्न बदल गया, वो झूठ बोल रहा है। मेरे स्टूडेंट्स के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बॉर्डर लाइन से पास हो रहे हैं। मेरे को किसी ने नहीं बताया कि सर मैं बॉर्डर लाइन से पास हो रहा हूँ। दे ऑलवेज टेल मी कि सर ये जो आपने सिलेबस बताया था ना, ये जो दो लाइन में लिख के भेजा यूपीएससी ने, वो हम समझ गए थे और इसी के अकॉर्डिंग हमने तैयारी की और हो गया। और आप भी समझ लें, अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे तो आपके सपने टूटने की कगार पे हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरह से डिजाइन करा जाएगा सीडीएस के द्वारा कि एक इंसान को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश की, और दूसरा वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों का इस्तेमाल आना चाहिए। उसने कहीं नहीं कहा कि मैं एंटोनिम्स पूछूंगा ही पूछूंगा, मैं सिनोनिम पूछूंगा ही पूछूंगा, नहीं, वो दूसरे फॉर्मेट में भी पूछ सकता है जैसे इसमें पूछा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? उसने क्या कहा है वो अगर देखा जाए तो मोटे मोटे शब्दों में इतना कह रहा है कि भैया तुमको एक तो ग्रामर की समझ रखो बेसिक, ठीक है ना, और दूसरी समझ मुझे चाहिए कि तुम शब्दों की मीनिंग जानते हो जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। और ये बात सत्य है, सारे वर्ड ऐसे हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि वो वर्ड कैसे ढूंढने हैं, बट आप ये बात समझो कि सिलेबस सिर्फ इतना ही है। ये वो पैटर्न को चेंज कर सकता है पूछने के तरीके को, बट वो रखेगा यही कि ग्रामर और वर्ड्स, यही चीज रखेगा, प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। चलिए इतनी बात हो गई है। अब देखिए एग्जाम में नई चीज क्या आई, देखिए इसे कहते हैं होमोनियम्स। यहाँ पर इसने होमोनियम्स ना कह के कहा यूजेज ऑफ पेयर वर्ड्स, यहाँ पर कहा कि दो वर्ड हैं एक जैसे दिखते हैं, बोलने में भी एक जैसे हैं, मीनिंग बताओ। अब ये अगर आप किसी बुक में जाके ढूंढोगे ना तो आपको मिलेंगे नहीं, पर ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम में नहीं लाइफ में बहुत बार यूज होते हैं। आप कहोगे सर मैंने तो यूज करा, मैं बताता हूँ आप लोग क्यों नहीं यूज करते, अभी दो मिनट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। अब ये नहीं कहते होमोनियम्स, आप किसी भी बुक में जाके चेक कर लो, चाहे पैरामाउंट में, चाहे रैन मार्टिन में, चाहे एसपी बख्शी में, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। वो जो आप पढ़ते होगे ना एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इतने ही सिंपल सिंपल आपको होमोनियम्स मिलेंगे किसी भी बुक में, पर ये वाले इतने जो आप डिफिकल्ट जिसको उसको समझने वाले हो आप, वो नहीं मिलेंगे। सर आप ऐसा मत कहो, डरा रहे हो आप तो। अरे बच्चे इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना, आप ये समझो कि ये होना कैसे है, ठीक है ना। मैं आपको सच सच बताऊंगा, मेरी बात ध्यान सुनिए। पहली बात तो ये गांठ बांध लो कि ये जो किताबें है पैरामाउंट और एसपी बख्शी एंड मार्टिन, ये अब ओल्ड फैशन हो गई हैं, इनसे आप मास्टरी ऑफ इंग्लिश नहीं कर सकते। अब क्या करना है सर, आपको दो बातें ध्यान रखनी, एक तो एसएससीजीएल एक एग्जाम होता है, पता है आपको, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सीडीएस में रिपीट होकर आते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ ध्यान सुनिए मेरी बात, एसएससीजीएल जो है एसएससीजीएल ये एक ओल्डेस्ट पेपर है जिसने सबसे पहले इडियम फ्रेजेस और वोकैब को इंट्रोड्यूस किया, और तब से लेके आज तक वो पूछ ही रहा है, तो उसके वर्ड्स तो आपको पता ही होने चाहिए, और थोड़े पास्ट ईयर, पास्ट ईयर पेपर का भी आपको पूरा पता होना चाहिए। पास्ट ईयर में से दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हर साल देखोगे दो तीन क्वेश्चन रिपीट होने तय हैं, और लास्ट होता है कुछ न्यूज़ में वर्ड आते हैं, ठीक है ना। अब न्यूज के वर्ड जो है ना वो मैं यहाँ पर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं कराता हूँ, तो प्लीज मेक श्योर आप इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिए, रोज एक वर्ड कराता हूँ और उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगली बार वो आ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पर क्या सीन है कि अगर आपको यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग सीखने हैं, जहां पर आप ध्यान सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, वर्ड दे दिए उसने कहा चार सेंटेंस है बताओ किसमें सही तरह से फिट हुआ है, तो देखिए कंटिन्यूसली जैसा एक साधारण वर्ड है, साधारण साधारण, उसका मीनिंग भी आपको कंफ्यूज करेगा, या तो सी है या डी है, चेक कर लो। अब ये इसका कारण ये है क्योंकि आपको बुक रीडिंग की हैबिट है नहीं, ठीक है ना, कैसे बुक पढ़ते हैं ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि ना तो आपके घर में कोई पढ़ता है, ना ही आपको किसी ने पढ़ने की सलाह दी है, ढंग से पढ़ते कैसे हैं, बस कह दिए जाओ पढ़ लो, बच्चे ऐसा नहीं होता है। हाउ टू रीड अ बुक मैं ना गूगल मीट पे सिखाता हूँ तमीज में कैसे, मैं आपके साथ रोज पढ़ता हूँ और रोज बताता हूँ कि ये देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते मीनिंग कैसे निकाले वो आपको पता नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिए, मान लीजिए एक सेंटेंस है उसमें एक वर्ड आया,
ठीक है, चार ऑप्शन आया तो लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा पहले वर्ड देखेंगे, चार ऑप्शन देखेंगे, आता है ठीक है, नहीं आता छोड़ देंगे। अरे वो ये कह रहा है पहले मेरी जान सेंटेंस को पढ़ के अंदाजा लगा इसका मीनिंग क्या होगा, फिर टिक कर। वो ये आपसे कह रहा है, पढ़ा मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है देखो ये वर्ड है क्लाइमेटिक, उसको आप पढ़ो समझो तो मीनिंग निकालो। आप हर वर्ड का मीनिंग याद नहीं कर सकते भैया। जो मैंने ये कह दिया तुमसे ऐसी सीजल करने का, ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि तुम ऐसी सीजल के सारे वर्ड याद कर लो, सारे सारे तुम्हारे दिमाग में बैठ भी गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ इट कि आप पढ़े जरूर, और अगर आप पढ़ने में काम चोरी कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि बुक रीडिंग की हैबिट मेरे साथ जरूर डालें गूगल मीट पे। अब गूगल मीट का लिंक जो है मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे मिलेगा, बट पहले आप मेरी बात समझो, बहुत ध्यान समझो, मैं अभी भी फिर से इस सिलेबस को रिपीट कर रहा हूँ। वो कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, तो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश के लिए रीडिंग ऑफ बुक डाला है प्लस ग्रामर को डाला है, और वर्कमैन लाइक से यूज ऑफ वर्ड्स को मैंने SSCGL के एग्जाम से कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो रहा है। क्लियर है? हाँ सर, हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। देखो यार वैसे तो मैं इस बैच में कराता हूँ, पर ये बैच फुल हो चुका है, ऑलमोस्ट एक दो सीट बची होंगी। इस बैच की खास बात ये थी कि इस पे ना मैं ये गूगल जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग कराता था मैं, हाउ टू रीड अ बुक, ठीक है। और आप मुझसे ना इस बैच में एनरोल होने के बाद ये होता था कि आप मुझसे मतलब वन टू वन बात कर सकते हो, फोन पे गूगल मीट पे आराम से बात कर सकते हो, बट ये बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर एक दो सीट बची है तो प्लीज देख लेना वहां पर, या मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट यार होगा नहीं सीट इसमें, ऑनेस्टली बोलूँ। आपके पास जो एक आखिरी बैच बचा है ना, वो यही बचा है कि आप इंग्लिश ग्रामर वाले बैच में देख लो। वहां पर भी अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको वन टू वन टाइम जरूर दूंगा वहां पर, ठीक है। कि आपकी अगर इंग्लिश कमजोर है ना, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, बट आपको मेक श्योर करना है कि रेगुलर आप वे में क्लास करोगे, वरना तो आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसी बात नहीं कि मेरे से जुड़ना है, आप खुद से भी कर सकते हो। तीन बातें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बात आपको ऐसी चीजें जरूर करना पड़ेगा, और तीसरी ग्रामर करनी पड़ेगी। आप तीनों कर लो, आपका काम हो गया, बेड़ा पार है। क्लियर है? ये आप कर सकते हो। अब जो ये वाला कोर्स है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको इसको करने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट प्लीज मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि जो मेरे पास आते हैं ना बच्चे, वो मेहनती होते हैं, तभी मैं उनकी मदद कर पाता हूँ। ये जो उन्होंने इतना बड़ा रिव्यू लिखा है ना, वो तब लिख पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। मैं तो यार पढ़ा सकता हूँ, तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसे रिव्यू लिखने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसी कहानियां तो अपनी बताओगे नहीं, सर मेरा एग्जाम निकल गया ये वो, ऐसे ऐसा तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं। तो प्लीज मेहनत करो, अगर मेहनत कर ली तो हो गया। अब आते हैं हम ग्रामर वाले हिस्से पे। क्लियर है? अच्छा एक बात बता दूं, ये वाला जो बैच है, ये वाला शेरशाह, ये खाली बॉयज के लिए है, ठीक है ना। इसमें एक जो गर्ल्स वाला बैच है ना, उसमें सीटें बाकी है, OTA के लिए मतलब, उसमें सीटें बाकी। अगर आपको मन है तो आप एनरोल हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पॉटिंग एरर की बात करें, स्पॉटिंग एरर में ना नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि यार ये ना पढ़ने में जो लगता है ना उस पर टिक कर दो। ज्यादातर लोगों का क्या मानना है, जो पढ़ने में लगता है उस पर जाके आप टिक कर दो। अब इसमें क्या गलती होती है, नॉर्मली लोगों को मानना होता है सेंटेंस कैसा बनता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये लोगों को मानना होता है। क्लियर है? पर एक्चुअल में सेंटेंस कैसा होता है, वो इन चीजों में होता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब प्रीपोजिशन आ सकती है, देखो यहां पर आइए, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन प्रीपोजिशन, और उसके बाद कहीं जाकर ऑब्जेक्टिव आता है। और देखो बचपन से लेके आज तक तुम्हें क्या झूठ बताया जा रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, यही तो बात समझनी है। ऑब्जेक्ट के बाद कंजक्शन आ सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद कंजक्शन आ गया, कंजक्शन जैसे ही आया तो याद रखिए उसके बाद द्वारा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है, और देखिए हो गया, समझ रहे? ऐसे बनता है प्रॉपर सेंटेंस। तो आपको जिसने पढ़ाया ना आज तक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट स्कूल के अंदर, वो एकदम गलत पढ़ाया था। अगर आप ये मेथोडोलॉजी नहीं समझे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये स्पॉटिंग एरर आप पूरी जिंदगी लगा लो, 10 में से 5 ही होंगे, और जो गलती आज हो रही है वो कल भी होती रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जरा हम। अब हम जरा समझते हैं कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऐसी चीजों में कंफ्यूजन कैसे होता है। आप कहोगे सर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड तो मैं 10 में से 8 सही कर देता हूँ। मेरे बच्चे जो आप 10 में से 8 सही कर रहे हो ना, बहुत ही घटिया स्कोर है, ये 10 में से 10 सही करने वाली चीज है ये, समझ लो। आप ना हर जगह से दो दो क्वेश्चन का गलत करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैं आपको एक बात का लॉजिक दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। नॉर्मली क्या करते हैं, जो जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं
उनका ये मानना होता है कि सर मैंने ना सिर्फ और सिर्फ हर सेक्शन से सिर्फ दो दो गलती करी है, सिर्फ दो दो, और दो दो गलती आप 12 टॉपिक में कर रहे हो, टोटल 12 है, तो कितने होंगे, 12 इंटू दो 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, 24 ब्लडी 24 क्वेश्चन यू हैव डिड द रॉन्ग। और 24 का मतलब यह है कि अगर 120 में से 24 घटा दूं तो 96 क्वेश्चन आप करके आए हो, मात्र 96 क्वेश्चन, और आपके नंबर करीबन बैठेंगे 70 के आसपास। और ये तो मैंने अभी वो काउंट करें जब आपने क्वेश्चन कोई छोड़ा नहीं है, 10 के आसपास तो क्वेश्चन छोड़ोगे तो नंबर बैठे 60 के आसपास, और बिना 80 नंबर आए आपका सिलेक्शन होने ही वाला नहीं है, गांठ बांध लो ये बात तो आप, यही इसका सत्य है, और इस सत्य को आप समझ लो। आप सत्य से जरा आगे बढ़ते जरा, ठीक है ना, आपके सपने आपको हकीकत में जीने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपका एग्जाम निकल सकता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आपके पास यहां पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास ग्रामर की ना एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं कौन से टॉपिक कहां से आते हैं, ठीक है ना। मैंने यहां पर लिख दिया है कि देखिए क्लोज कंपोजिशन यहां से आता है, प्रीपोजिशन डिटरमिनेंट यहां से आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है ना। आपको इसी फॉर्मेट में करना है, खुद से पढ़ रहे हो खुद से, मेरे से पढ़ रहे हो मेरे से, तभी आप अपनी ग्रामर बहुत आसानी से कर पाओगे, वरना आप फंसे रह जाओगे। क्लियर है। अब यहां पर बात समझो मेरी जान, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए ना तो आप ले सकते हो, पर प्लीज मेक श्योर मेरी सारी सीटें ना एकदम से खत्म हो जाती है, ये वाला बैच भी खत्म ही हो जाएगा अगले एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें 1-to-1 अटेंशन दे रहा हूँ और 1-to-1 अटेंशन सभी को चाहिए होती है। तो प्लीज मेक श्योर अगर आपको लग रहा हो तो आप एज सुन एज पॉसिबल अभी ले लेना एनरोल होकर, वरना फिर मैं आप उसे कहोगे कि सर सीटें नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बट यार ऐसा नहीं है, सीटें नहीं है तो खुद से नहीं कर सकते, कर सकते हो तुम खुद से पढ़ाई, ठीक है ना। बट अगर लेना हो तो प्लीज जल्दी, मुझे लास्ट मिनट पर मत कहना सर एक सीट दे दो सर बस मेरा आखिरी अटेम्प्ट है ये, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां पर मैं फिर फंस जाता हूँ, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जनरल स्टडीज के अंदर। जनरल स्टडीज के अंदर साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हैं। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी फोकस रखना है साइंस पे, ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर पे। क्यों? क्योंकि यार 20 मार्क्स लाने ही लाने होते हैं, सबसे बड़ा वेटेज साइंस का है, साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी सबसे आसान है उसके बाद, और 50% और क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल होते हैं, और करंट अफेयर मुफ्त के होते हैं, चाहे मेरे से पढ़ो, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड से पढ़ो, या किसी और चैनल से पढ़ो तो भी आप ये कर लोगे, इतने आसान होते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा हाथ मारते हैं हम पॉलिटी पे, और उसके बाद हम हाथ मारते हैं हम इकोनॉमिक्स पे या हिस्ट्री पे। क्लियर है। अब मैं आपको प्रॉपर वे में समझाता हूं कि आपको करना कैसे, ठीक है। पहले हम जीएस की बात कर रहे हैं। देखिए जीएस के अंदर आपके कुछ टॉपिक हैं, ये टॉपिक तो कंफर्म है, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको 9th-10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, 9th-10th की एनसीईआरटी बोल रहा हूं, सिर्फ 9th-10th की एनसीईआरटी। सर 11th-12th की नहीं आएंगे बच्चे, एक बार आया था 2019 में, एक पेपर आया था उसमें 11th-12th की आई थी, उसके बाद से लेके अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। अब सर एक 11th-12th का कोई टॉपिक आ गया तो बच्चे मैं बता देता हूँ, पर खुद से ना पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। कोई या तो गाइडेंस करने वाला चाहिए, ठीक है, या तो आप मेरे साइंस के कोर्स में एनरोल्ड हो, ठीक है ना, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जैसे इन बच्चों की मैंने मदद कर दी, ठीक है ना। तो साइंस का कोर्स भी है, अगर आप इस नंबर पर जाओगे और वहां पर आप लिखोगे साइंस व्हाट्सएप पे तो आपको साइंस का कोर्स मिल जाएगा, बट आप खुद से कर सकते हो। मैं टॉपिक बताता हूँ जो आपको खुद से करने होंगे अगर 11th-12th के करना हो। एक तो आपको करना है बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर आता ही आता है, इसके बाद आता है वेक्टर, ठीक है, इसके बाद आता है मेजरमेंट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट एंड डायमेंशन, ये वैसे मैंने सब करा रखे हैं अपनी क्लास में, बट ये आपको खुद से करने पड़ेंगे, बट ये रेयर है। भाभी भी बोल रहा हूँ ये जो टॉपिक्स है ना ये बहुत रेयर है 11th-12th के, लास्ट टाइम सिर्फ 2019 में आए थे, उसके बाद से नहीं आया। लास्ट इसमें नॉर्मैलिटी, मोरालिटी एंड मोलैलिटी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको करना ही करना है, तभी आपका फायदा हो पाएगा। क्लियर है। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब आदम ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक ऐसा सिलेबस है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50% से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आएंगे क्या। लेट मी शो यू, देखिए ये वाले आप टॉपिक्स देख रहे हो, ये टॉपिक हर साल हर एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो CDS हो, चाहे वो NDA हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी आती आती है, ये फिक्स क्वेश्चन है, और इसलिए मैंने कहा 50% ऑफ क्वेश्चन आप डिफाइन कर सकते। देखिए टोटल 15 के करीबन क्वेश्चन आते हैं, ये टोटल 12 टॉपिक है जो हमेशा रिपीट होते हैं, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि करीबन 6 के आसपास तो मिल ही जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी सीरीज की बात करूं, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना ये क्लाउड का है, और देखो क्लाउड से टॉपिक होगा, इधर देखो अगला देखो जरा, यहां पर लिखा है लेक, ये देखो लेक होगा यहां पर, मैं पक्की बात बता रहा हूं,
ये रहा लेक बॉटम में देखो। और क्या है यहां पर है ओशन करंट, देखो ओशन करंट होगा यहां पर, गारंटी की बात है ये रहा। ठीक है ये कुछ सैंपल दिखाया मैंने, तो ये आपको टॉपिक करने ही करने। उसके अलावा अगर आप चाहते हो ज्योग्राफी में महारत करना तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूनिवर्सल ज्योग्राफी करनी करनी पड़ेगी, और वो करनी है आपको क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। क्लियर है बच्चे? अगर किसी वजह से आप ना ये सोच रहे हो कि आप कोई पढ़ा दे, तो मैंने ना आपके लिए ज्योग्राफी के लिए अलग से कोर्स भी बना रखा है, ठीक है ना। आप ये समझो कि आप मैथ्स कहीं से पढ़ रहे हो, इंग्लिश कहीं से पढ़ रहे हो, और या खाली ऐसा है कुछ ना पढ़ के खाली ज्योग्राफी पढ़ो ना, मैं आपकी ज्योग्राफी में मदद कर दूंगा। बच्चे घबराओ मत, आपकी यूनिफॉर्म का सपना मेरा सपना है, ठीक है। जब तक तुम्हें यूनिफॉर्म मिलेगी नहीं तब तक मैं भी चैन से बैठूंगा नहीं, और जब जब तुम्हें वन टू वन मेरी जरूरत पड़ेगी ना, वन टू सेशन की, मैं तुमसे कॉल पे बात करूंगा, व्हाट्सएप पे बात करूंगा। पर बच्चे जरूरत है तो जरूर लो, वरना मैंने आपको बता ही दिया है 11th क्लास की NCERT, 11th क्लास की NCERT और 12th क्लास की NCERT आपको ज्योग्राफी के लिए करनी ही करनी है, और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। इस बात को आप समझे, क्वेश्चन एकदम रिपीटेड छपे छपाए आते हैं। इस वाले की तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। इसमें एक चीज ना लिखनी रह गई है, वो कहते हैं वाटरवेज। वाटरवेज क्या होता है, अगर मान लो ये हमारा साउथ इंडिया है, और यहाँ पर मान लो कोलकाता है, यहाँ पर हमारा चेन्नई है, यहाँ पर हमारा बेंगलुरु है। तो अगर मान लो आपको कोलकाता से चेन्नई जाना हो ना, तो आज की तारीख में पहले कोलकाता से बेंगलुरु जाना पड़ेगा और बेंगलुरु से फिर चेन्नई जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज की तारीख में अगर आप इस चीज को बदलना चाहते हैं तो वाटरवेज एक तरीका है। कैसे? यहां से शिप पकड़ो और शिप की मदद से चेन्नई आ जाओ, समझ लो। ये वाटरवेज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आया था, ठीक है ना। जब आप सीडीएस का पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा वाटरवेज पे क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। चलिए यहाँ तो हो गई बात, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखो जनरल स्टडीज के अंदर आपके पास साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 9 मंथ की आती है, जिस जिस महीने आपका एग्जाम है ना, उससे पहले 9 मंथ उठा लो, उसके करंट अफेयर आपके लिए आएंगे ही आएंगे। मेरी बात ध्यान सुनो, ये वो 15 टॉपिक है जहां से आते ही आते हैं, 15 टॉपिक। टोटल करंट अफेयर आती है 16 से लेकर 18, ठीक है। जिसमें से अकेली डिफेंस, डिफेंस जो करंट अफेयर है, डिफेंस ये रही, ये अपने आप में 3 से 4 क्वेश्चन ले आती है। ये वो टॉपिक है जो आने ही आने हैं, मेरे से करो किसी और से करो, ये टॉपिक को ध्यान में रख के करो। अगर आप इन टॉपिक को ध्यान में रख के कर रहे हो ना, आप कभी फेल नहीं होगे, मेरा आपसे वादा है, ये आना ही आना है। क्लियर है? प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि जो जनरल स्टडीज है, जो जनरल स्टडीज है उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा वो है पॉलिटी। पॉलिटी में ना एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ये नहीं करना है। क्या बोल रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे बहुत रेयर कोई एक क्वेश्चन आता है, और वो भी एक क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कौन से देश से हमने डीपीएसपी ली, कौन से देश से हमने प्रीएम्बल लिया, ये सब आता है। बस एक क्वेश्चन जो हाईएस्ट चांसेस हैं, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, रिट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है इसके बारे में पढ़ना है, पंचायती सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जो आपको बताया था कौन सी कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा लिया गया है, ये पढ़ना है, और लास्ट में शेड्यूल एंड पार्ट्स पढ़ के खत्म। इतना ही पढ़ना है। पर आपको ना एक बात और ध्यान रखनी, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की, तो आप ना जो प्रैक्टिस करेंगे पॉलिटी की, वो एक किताब आती है, वो आती है मृणाल, मृणाल करके आती है, आईएएस की किताब आती है, सॉरी आईएएस की, हाँ यार आईएएस की आती है, प्रीलिम्स की आती है, वो उससे प्रैक्टिस करना। आपकी जो पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट वाइज आते हैं, मतलब लंबा से एक स्टेटमेंट लिखा होगा और तब वहां पर आपको पूछा जाएगा कि बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ऐसा होता है। तो बहुत अच्छा है, प्लीज मेक श्योर आप वहां से पढ़ना जरूर, ठीक है ना। वरना मैंने अपने पॉलिटी के जो कोर्सेज हैं उसमें तो मैंने डाला ही है, जो बच्चे एनरोल्ड होंगे उनके लिए। याद रखना बच्चा, मैं आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करूंगा, जो फुल लेंथ वाले कोर्स होंगे उनसे मैं वन टू वन बात करता हूँ, आपसे भी करूंगा। तो प्लीज मेक श्योर अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप जरूर जरूर एनरोल हो लेना। एनरोल होने के लिए आपके पास यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप टाइप कर लेना मास्टर, और मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, ये वाला, क्लियर है। या मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। देखो ये बैचेस तो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, शेरशाह
AFA, IMA, INA के लिए, और कीर्ति, ये इसमें थोड़ी सीटें मैं अभी आपको दोबारा बोल रहा हूँ, तो प्लीज मेक श्योर, मेक अ डिसीजन वाइज एंड जल्दी लेना जो भी लेना, ठीक है ना। वरना खुद से तो आप पढ़ाई कर सकते हो, मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए। मीन वाइल मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको करंट अफेयर खत्म कर दिए, पॉलिटी खत्म कर दिए, बट अब जो आपके सामने आगे बचा है वो मैथ्स। सर हम हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स से तो 15-20 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से हम बात नहीं करेंगे। बच्चे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा, हिस्ट्री में ना जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको आप मत करो, आप करो मेडिवल हिस्ट्री को और मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है ना। बुक का नाम है स्पेक्ट्रम। बट सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपने साइंस में बताया, ज्योग्राफी में बताया, पॉलिटी बताया, बच्चे हिस्ट्री में ऐसे ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री में ना अनप्रेडिक्टेबल आता है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल आता है। इसमें से मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, एंशियंट हिस्ट्री प्रेडिक्टेबल नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री से आता ही एक क्वेश्चन है, क्लियर है। तो मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ज्यादा ध्यान दो। स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी किताब है जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए, या एक हिस्ट्री थीम्स करके किताब आती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्लियर है, प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। अच्छा एक बात और मैं बताऊंगा, इकोनॉमिक्स की बात करें, देखिए इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में बटी हुई है, पहली इकोनॉमिक्स है माइक्रो और दूसरी इकोनॉमिक्स है मैक्रो। आपको पढ़नी है मैक्रो, मैक्रो है क्लास 12th के अंदर। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो मतलब देश कैसे चलता है, देश की जीडीपी कैसे चलती है, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। पर याद रखें इकोनॉमिक्स जो आती है वो बेसिकली करंट अफेयर से रिलेट करके आती है, बजट से आती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेट करके आती है, ऐसे आती है। तो आपको थोड़ा करंट अफेयर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पर मैं अगर आपकी जगह होता, तो मेरी हाइएस्ट प्रायोरिटी तीन चीजें होती, पहली साइंस, दूसरी करंट अफेयर, फिर ज्योग्राफी, और इसके एडिशन में कि भैया इस पे कहीं नंबर कट जाए तो मैं बच जाऊं, तो यहां पर होता मेरा पॉलिटी, ठीक है। और टाइम बचता तो मैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देता, बट मैं एक बार जरूर देखता, मतलब ऐसा नहीं है कि रिवीजन हार्डकोर फॉर्म में, हार्डकोर रिवीजन में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का नहीं करता मैं, करता सिर्फ इसका ही करता। और जो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री है तो कई यूट्यूब चैनल कहते हैं कि हमारे यहां से जरूर आएगा क्वेश्चन वगैरह वगैरह, तो उनकी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री की वीडियो देख लो, दो चार फंस भी गए तो तुम्हारे मजे आ गए, समझ लो। बट हार्ड कोर तैयारी साइंस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और पॉलिटी की ही करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स ना दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला हिस्सा है अर्थमेटिक प्लस एल्जेब्रा और दूसरा हिस्सा है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक प्लस एल्जेब्रा करीबन 50% वेटेज रखता है और अर्थ एडवांस मैथ 50% रखता है। ये थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, जैसे 50% का 45% हो सकता है और ये 55% हो सकता है, क्लियर है मेरी बात। और यहां पर आपको ये बात समझनी है कि यहां पर ये 60% से लेके 40% भी, मतलब उल्टा हो सकता है, थोड़ा बहुत 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, पर ओवर मतलब जनरल वे में ये ऐसे ही आता है, क्लियर है। इसमें भी मैं आपको बताऊं कुछ टॉपिक जो आपकी हाईएस्ट वेटेज के होते हैं तो आपको समझने हैं। नंबर सिस्टम आपका हाईएस्ट वेटेज में होता है, ये टाइम एंड वर्क पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन आना ही आना तय होता है, क्लियर है। आपका यहां पर ये जो आपका है ज्योमेट्री सबसे आसान है, इसके बाद आपका सबसे आसान हाइट एंड डिस्टेंस है इसके अंदर, और फिर मेंसुरेशन, और लास्ट में आपका स्टैटिस्टिक्स, क्लियर है। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं अगर आप पेपर कर रहे हो, कि ये चीजें तो छूटे ना, क्योंकि ये 100% स्कोर देने वाली चीजें होती हैं और ये फिक्स्ड है, आनी आनी है, क्लियर है। चलिए, और सबसे आसान भी है। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहता हूं कि अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरा मैथ्स का कोर्स ले सकते हो, इसमें अभी जगह है तो आप ले सकते हो, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। और आपको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, एक बैच और हमने नया लॉन्च किया है जो कि एफकेट और सीडीएस का है, कि एफकेट सीडीएस दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो एफकेट में ना क्या खास बात होती है, जो अरिथमेटिक आती है ना, अरिथमेटिक ये पूरी की पूरी एफकेट में आती है, आपकी ये नहीं आता, एडवांस मैथ नहीं आता एफकेट के अंदर, बस इतने बात समझ लो। इसलिए हमने ना इसे कंबाइन कर दिया कि बच्चा आराम से कर सके। बाकी मैं सिर्फ आपसे इतना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात करें सीडीएस के रिगार्डिंग जो भी आपको दिक्कत आ रही है, और सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें। और आखिरी चीज जो बच गई कि जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलना, मैं इसी का इंतजार करता रहता हूँ कि मिठाई कब खाने को मिलेगी। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, तैयारी शुरू कर दो, आराम से हो जाएगा, ऑल द बेस्ट। मैं उनको रोज देखता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।